नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 के फिंगरप्रिंट स्कैन के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि सैमसंग गैलेक्सी A52 और A72 में दोस्तों एक फिंगरप्रिंट है वो हमें दिया गया है डिस्प्ले के अंदर, बट दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो दोस्तों काफ़ी लोगों को स्लो दिख रही है, क्योंकि उसका दोस्तों जो इस जो हमारा जो डिस्प्ले का दोस्तों स्क्रीन लॉक है, जैसे दोस्तों हम इसे अनलॉक करते हैं तो उसमें कुछ सेकंड का टाइम लगता है दोस्तों, देखने में दोस्तों काफ़ी ऑड लगता है। तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताने वाला हूं जिन्हें दोस्तों आपको अपने फ़ोन में ही करना है, और आपका दोस्तों ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है दोस्तों काफ़ी क्विक स्टार्ट हो जाएगा, यानी काफ़ी अच्छे से वर्क करेगा। आपको दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, आपको जो भी सेटिंग करनी है आपको अपने मोबाइल में ही करनी है। तो दोस्तों 3-4 स्टेप हैं जिनको दोस्तों मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एकदम करके, जिससे दोस्तों आपका फिंगरप्रिंट की जो दोस्तों स्पीड है वो पहले से दोस्तों काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो को दोस्तों डिस्प्ले पर दिखाने वाला हूँ वीडियो में एकदम लाइव, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और दोस्तों उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैं आपको वो तीनों स्टेप एक करके दिखाऊंगा, तो दोस्तों बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, जिससे दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों देखिए ये मेरा A52 है, और दोस्तों A52 हो या फिर A72 दोनों का प्रोसेस सेम है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन एक जैसे हैं, सिर्फ कैमरे का और साइज़ का फर्क है। तो दोस्तों ये देखिए मेरे डिस्प्ले पे ये फिंगरप्रिंट स्कैनर है, तो ये देखिए ये अनलॉक तो जल्दी हो जाता है, बट इसका जो एनिमेशन है उसकी वजह से दोस्तों हमें ऐसा लगता है कि ये अनलॉक काफ़ी देर में हो रहा है। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों 3 स्टेप हैं, तीनों को आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक ही को करना है, आपको तीनों को करना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना दोस्तों डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद दोस्तों नीचे आप आओगे तो यहाँ देखिए दोस्तों एक ऑप्शन आता है टच सेंसिटिविटी का। आपको नॉर्मली दोस्तों ये क्या होता है हर फोन में ऑफ रहता है, बंद रहता है, तो दोस्तों आपको इसे ऑन करना है, इनेबल करना है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग जो होते हैं वो अपने फ़ोन पर स्क्रीन गार्ड या टेम्पर ग्लास का यूज करते हैं। तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि हमारे फ़ोन की दोस्तों जो टच सेंसिटिविटी होती है, डिस्प्ले होती है, वो वर्क तो काफ़ी अच्छा करती है, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से करनी चाहिए उस तरीके से नहीं करती। तो आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने का दोस्तों आपको बैग आना है। बैग आने के बाद दोस्तों आपको आना है लॉक स्क्रीन टाइप पर, इस पर आना है दोस्तों आपको। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे आना है। यहाँ आने का दोस्तों देखिए कि हमारे फ़ोन में दोस्तों जो हम फिंगरप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो आपको फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, या फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन के अंदर आप आओगे तो शो एनिमेशन वैन अनलॉकिंग, आपको ये फीचर ऑफ कर देना है। या दोस्तों आपको इसे ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद अब आपको आना है दोस्तों फिंगरप्रिंट पर। दोस्तों मेरे यहाँ पर 2 फिंगरप्रिंट पहले से ऐड हैं, क्योंकि मैंने जो आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ वो मैंने ऐड कर ली है, तो मैं आपको फिर से ऐड करके दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ सके। तो आपको प्रेस पे करना है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जी दिखाया जा रहा है कि फिंगरप्रिंट ऐड करना है, तो आपको करना है आपको अपने दोनों थंब दोनों अंगूठे यूज करने हैं, एक इस तरीके से दोनों एक एक बार। और दोस्तों आपको पोजीशन सही रखनी है जिस तरीके से आप लॉक खोलते हो। अब दोस्तों इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक ही थंब को यूज करते हो, एक ही थंब को यूज करोगे तो दोस्तों यहाँ पे जो परसेंटेज है काफ़ी स्लो चलते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारा जो फिंगरप्रिंट है जो हमारे थंब को बार बार रिकॉग्नाइज करता है, तो ये हम सेम टाइम पर एक ही जगह रख देते हैं तो ये स्लो हो जाता है, बट जब आप बदल बदल के दोनों अंगूठे यहाँ पे रखोगे तो ये काफ़ी फास्ट से एड करेगा। अब दोस्तों इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए मैंने तीनों से स्टेप कंप्लीट कर दिए, अब मैं आपको लॉक करके दिखाता हूँ। ये देखिए अब देखना आप, ये देखो। तो जब आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा कि जब एनिमेशन आ रहा था और जे सिक्सेंस जे दोस्तों जो दोनों फिंगर मेरे एड नहीं थे, तब दोस्तों अनलॉक हो तो रहा था, बट जो एनिमेशन है दोस्तों वो शो हो रहा था, उसकी वजह से दोस्तों कुछ पॉइंट सेकंड का इसमें फ़र्क दिख रहा था। बट अभी आप देख सकते हो मैं तीनों स्टेप फॉलो करने के बाद दोस्तों देखिए काफ़ी फास्ट जे वर्क कर रहा है। तो आप दोस्तों इस तरीके से तीनों स्टेप फॉलो कर सकते हो,
और अपने A52 और A722 के फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा तरीका है, इसमें आपको दोस्तों कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी और दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना, आपको जो भी सेटिंग करनी है अपने मोबाइल में ही करनी है और आप दोस्तों इसको काफ़ी भी यूज कर सकते हो काफ़ी फास्ट। तो दोस्तों ये तीनों तरीका जिन्हें आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों आपने देखा कि मैंने दोस्तों जो 3-4 स्टेप बताए थे उनको यूज करने के बाद, उनको दोस्तों इनेबल करने के बाद हमारे दोस्तों जो फिंगरप्रिंट की स्पीड है वो पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। दोस्तों आप इसी तरीके से इन स्टेप को फॉलो कर सकते हो और आप अपने फ़ोन के फिंगरप्रिंट की स्पीड को बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।